आगर थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो आरोपी सहित तीन पिस्टल और दो जिंदा राउंड कारतूस जब्त किए। आगर मालवा थाना प्रभारी रंजीत सिंगार ने कोतवाली का प्रभार संभालते ही शहर में घूम रहे अपराधियों पर शिकंजा कसा। ऐसा ही मामला आज देखने को मिला, जहां समीर पिता नईम उम्र 24 साल निवासी ग्राम पिपलोन कला, अमान उर्फ अमन पिता आजम शेख उम्र 20 साल निवासी उज्जैन के द्वारा शहर में कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता उससे पहले ही कोतवाली पुलिस ने इन अपराधियों को जिंदा कारतूस और तीन पिस्टल सहित गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। ये अभी हम लोगों ने कल दिनांक 30 को एक व्यक्ति को आवर रोड से अवैध हथियार की सूचना थी जिसके पास में, तो वहाँ तस्दीक करने गए। आवर रोड से उस व्यक्ति को चेक किया तो उसे एक हाथ से बनी देसी पिस्टल मिली, एक जिंदा राउंड मिला। इस व्यक्ति का नाम समीर पिता नईम खान, जो पिपलोन का रहने वाला है। उससे अवैध पिस्टल जब्त करके उससे पूछताछ की गई थी, जिस पर से उसने बताया कि उसका कोई मित्र है उज्जैन का रहने वाला, जो अमान उर्फ अमन नाम है उसका, जो देवी गली उज्जैन में रहता है। उस बताया कि वहाँ से मैं लाया था पिस्टल, वहाँ गए उससे पूछताछ की, उसने अपने पास दो पिस्टल होना बताया, उससे भी वो पिस्टल जब्त की गई, एक जिंदा राउंड कारतूस उससे भी जब्त किया गया है।